या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। ये है श्रीमद् देवी भागवत। श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंद में आप सभी देखिए 27वां अध्याय है। प्रमाण के सहित में आप सभी जानिए कि देवी दुर्गा की उपासना यदि व्रत उपवास आप 9 दिन नहीं कर सकते हैं तो देखिए इसमें लिखा है कि हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। अगर आप नवरात्रि में 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं तो केवल 3 दिन का उपवास ही रखिए। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। और इसमें लिखा है कि इन तिथियों में आपको ये देखिए लिखा है, पूजा भी सश्चैव होमैश्च कुमारी पूजनैस्त तथा संपूर्णं तद्व्रतं प्रोक्तं विप्राणां चैव भोजनैः। तो इसका अर्थ भी देख लीजिए, पूजन हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से नवरात्र का व्रत पूरा हो जाता है ऐसा कहा जाता है। और 9 दिनों में सबसे अधिक विधि विधान से, जैसे 9 दिन तो पूरे ही करने चाहिए जिसमें सामर्थ्य हो, और नहीं तो इसमें लिखा है प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई हैं। इसलिए अगर आप 9 दिन विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते हैं तो अष्टमी तिथि को विशेष विधान से भगवती जगदम्बा की पूजा करें और इस दिन विविध प्रकार के उपहार, गंधमाला, चंदन के अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प आदि उपहारों से देवी को प्रसन्न करना चाहिए। और ये श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा लिखा है कि इस पृथ्वी में जितने भी प्रकार के व्रत और दान हैं नवरात्र के तुल्य नहीं है, क्योंकि ये व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख देने वाला, संतान की वृद्धि करने वाला, आयु आरोग्य प्रदान करने वाला, स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन और पुत्र, इनमें से किसी की भी कामना कोई करता हो उसे सौभाग्यदायक कल्याणकारी व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाले को विद्या और राज्य से वंचित राजा फिर से राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन्होंने ये उत्तम व्रत नहीं किया है वो ही इस रोग में जन्म में रोगग्रस्त होते हैं, दरिद्र और संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है तो ये जान लेना चाहिए कि पूर्व जन्म में उसने ये व्रत नहीं किया है। तो हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि नवरात्रि व्रत में किन कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, आपको प्रमाण सहित बताएंगे। तो आप सभी पर जगदम्बा की कृपा बनी रहे। जय अम्बा अम्बे, जय जय जगदम्बे।